सूरत मिलेनियम कपड़ा बाजार की स्थिति, जीएसटी और हर बिल में विपक्ष के विश्वास की सबसे अधिक संख्या का मानना है कि वस्त्र व्यापारियों और सांसद सीआर पाटिल विधायक है और संगीता बहन पाटिल ने गुजारिश करके विश्वास करने के लिए किया गया था, जो इस 1 फरवरी से लागू करने के लिए किया जा रहा है। व्यापारियों का आक्रोश नहीं विकसित करने के लिए मिल गया, जो इस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं पर विश्वास करने के लिए नहीं, अगले दिन आते हैं, विश्वास करते हैं, विरोध के रूप में सबसे करने के लिए वे बाहर आ सकते हैं। अभियान चलाए जिसमें कि जीएसटी के प्रति उनका जो भय है, जो डर है, वो निकले और वो इस नकार में पूरी तरह लग सके। वैसे जितने भी ज्यादा कानून बनेंगे उतनी तकलीफ आने वाली है। अभी कुछ सीए लोग सर ये भी बोलते हैं कि 18 से 20 तारीख तक अगर हम रिटर्न भरने जाते हैं तो साइट ही नहीं चलती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये छोटी सी साइट नहीं चलती है तो इतने बड़े ईवे बिल की साइट कैसे चलेगी। आज मैं अपनी दुकान में रजिस्टर्ड करवाया हूं, नियोजित अपने को रजिस्टर्ड करने में 2 घंटा लगा और पहला पार्सल अभी तक हम नहीं बना पाए। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक जी। दिल का दर्द जुबा पे आ गया, ऐसी कहानी हम सबकी हो रखी है। गणेश जी एसपीएम सूरत टेक्सटाइल मार्केट से अपनी बात रखेंगे, अच्छी कुशल वक्ता है। माननीय सांसद श्री, माननीय विधायक श्री, माननीय विधायक, उपस्थित व्यापारी बंधु, सूरत का इतिहास आपके सामने है। जो इतिहास सूरत ने बनाया वो हिंदुस्तान ने स्वीकार किया। आज जो सूरत दिख रहा था 25 साल पहले वो सूरत नहीं था। आज जो समस्या दिख रही है वो 25 साल पहले नहीं थी। हर बार सूरत से ही टेक्सटाइल की नीति तैयार होती थी। अब केंद्र सरकार में देखिए, केंद्रीय कपड़ा मिनिस्टर सूरत से जाता था। हम चाहते हैं हमारे दमन सांसद केंद्र के कपड़ा मिनिस्टर बने, क्योंकि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा हिंदुस्तान में कपड़े का कोई बिजनेस है तो सूरत के अंदर है। तो समस्या तो आनी है सूरत के अंदर। जब जीएसटी का आंदोलन इतना बड़ा हुआ तो सूरत से क्यों हुआ? आप सोचो, हिंदुस्तान की मिनी इंडिया कहने वाला सूरत है। यहां पे हर प्रदेश के व्यक्ति यहां